हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कल जो मैंने आपको ट्रेड्स दी थी उन्होंने आज कैसे परफॉर्म किया। कल जो मैंने आपको पहली ट्रेड दी थी वो थी आइचर मोटर्स, इसका बाय मैंने आपको दिया था 2378 पे। इसने आज लिटरली आउट परफॉर्म किया है, इसका आज का हाई है 2407 और इसने अपना टेक प्रॉफिट भी अचीव कर लिया। इसके अलावा मैंने आपको मन्नापुरम और वीआईपी इंडस्ट्रीज की ट्रेड दी थी, इसके अंदर आज बाइंग प्राइस आई नहीं तो इसके अंदर हम एंट्री कर नहीं पाए। और टेलीग्राम पे मैंने आपको केएससीएल के शॉर्ट की ट्रेड दी थी, आई एम श्योर इसमें भी आपने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एशियन पेंट्स का 1 आवर चार्ट है जिसमें इसकी सपोर्ट है 2569 पे और इसकी रेजिस्टेंस है 2639 पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक लो है, ये हायर लो है और ये लो उससे भी ऊपर है। लोज आर प्रोग्रेसिंग अपवर्ड्स, ये क्लियरली एक बुलिशनेस का साइन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हो गया है। तो इसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस कंसोलिडेशन के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो होगा 2581 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 2631 अराउंड यहाँ पे। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लॉस के नीचे जो होगा 2525। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ट्रेड है, ये देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स, ये ट्रेंड का 1 आवर चार्ट है, इसके अंदर जो हम ट्रेड करेंगे एक ब्रेकआउट ट्रेड है। तो आप ये जो पैटर्न देख रहे हैं असेंडिंग ट्राइंगल है, इसका ये मतलब है इस पे जो हॉरिजॉन्टल टॉप है बार बार बायर्स ट्राई कर रहे हैं इसको ब्रेक करने की, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे और बार बार सेलर्स शॉर्टिंग कर रहे हैं, उसको नीचे लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर सेलर्स इसमें कंटिन्यूअसली वीक होते जा रहे हैं। वो पिछली बार जितना नीचे ला नहीं पा रहे, बार बार उनका जो स्ट्रेंथ है वीक हो रही है और इवेंचुअली प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल प्राइस स्क्वीज हो गया इस जोन में। तो जब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आएगा तब हम इसको बाय करेंगे। ये जो असेंडिंग ट्राइंगल है ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है। तो इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो होगा 790। इसको आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं ब्रेकआउट के ऊपर। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो रीटेस्ट की वेट करें। रीटेस्ट हमें चाहिए होगा 787 का, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा तब हम इसको बाय करेंगे 790 791 के बीच में। इसमें जो टेक प्रॉफिट का फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 799। प्राइस अगर इसको क्रॉस कर जाता है, इसको ब्रीच कर जाता है, तो टेक प्रॉफिट का सेकंड लेवल होगा 813। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कंसोलिडेशन के नीचे जो होगा 775। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है, ये देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स, ये अल्ट्राटेक सीमेंट का 1 आवर चार्ट है, इसके अंदर कल जो हम ट्रेड करेंगे एक ब्रेकआउट ट्रेड है। तो इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 6339 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 6409 पे और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 6469 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक बॉटम बना है यहाँ पे और ये दूसरा बॉटम बना है, डबल बॉटम बना है, विच इज अ रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे काफी सारी कंसोलिडेशन हो रही है, तो जितनी ज्यादा कंसोलिडेशन होती है उतना ही सॉलिड ब्रेकआउट आता है। तो इसको तब बाय करेंगे जब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट के बाद हमें रीटेस्ट चाहिए होगा 6339 का, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा तब हम इसको बाय करेंगे। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो होगा 6352। इसमें जो टेक प्रॉफिट का फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 6393। प्राइस अगर इसको क्रॉस कर जाता है, इसको ब्रीच कर जाता है, तो टेक प्रॉफिट का जो सेकंड लेवल होगा वो होगा 6452। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लॉस के नीचे जो होगा 6247। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम अगर इंट्राडे में कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड आती है तो उसको मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई ट्रेड्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।